नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है कुंजी पटल, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू, और ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, जैसे कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है, ठीक है। तो यह थी इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का विस्तृत रूप है, ठीक है। ऑप्शन ए है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बी नंबर्स का सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी-कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में यह चार कथन दिए गए हैं, इन चार कथन से हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो और तीन, ऑप्शन सी है एक दो और चार, और ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इसका जो सही आंसर है वह है सभी चारों। ये जो चारों कथन दिए गए हैं ये चारों कैसे हैं, चारों के चारों सही है, क्योंकि यह आंकड़ों का भंडारण करता है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखता है और कभी कभी वायरस से यह अतिक्रमित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की, ठीक है। तो ये चार कूट दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसके लिए ऑप्शन एक है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, और ऑप्शन सी है एक दो और चार, और ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इसका जो सही आंसर है वह है सभी चारों, यानी कि अगर किसी भी व्यवस्था को हमें कंप्यूटरीकरण करना है तो उसके लिए पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, फिर वित्तीय संसाधन चाहिए और उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए और एक अत्याधुनिक संरचना की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है, ठीक है। ALU, इसके लिए ऑप्शन है ए एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कॉम्पेयर क्या है, ठीक है। कॉम्पेयर हमें बताना है क्या है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है ALU का अर्थमेटिक काम, ऑप्शन नंबर बी है ALU का लॉजिकल काम, ऑप्शन नंबर सी है ALU का इनपुट आउटपुट काम, और ऑप्शन नंबर डी है ए सभी। तो जो कॉम्पेयर होता है यह ALU का एक अर्थमेटिक काम होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जो कॉम्पेयर होता है वह ALU का अर्थमेटिक काम है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। और यह जो है यह कंप्यूटर सीपीयू का मुख्य घटक होता है। यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस और ऑप्शन नंबर डी ए सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए सभी, यानी जो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है वह इनपुट आउटपुट और प्रोसेस तीनों को से मिलाकर बनता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है उसकी जो प्रक्रिया है एक चरणबद्ध तरीके से संपन्न होती है, जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू के घटक हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीयू के घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी एएलयू और ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए सभी। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है और एएलयू होता है। ठीक है, इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं अंक गणितीय तर्क इकाई, और इस इकाई के होते हैं दो उपखंड, जिसमें एक होता है अंक गणित अनुभाग और एक होता है तर्क अनुभाग। फिर आती है मेमोरी यूनिट, जिसको हम स्मृति इकाई बोलते हैं। इस इकाई का कार्य होता है निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना। और फिर तीसरे नंबर पे आता है कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं हम नियंत्रण इकाई। यह इकाई कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस और ऑप्शन डी है एल्गोरिदम। इसका जो सही आंसर है वह है इनपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस और ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आउटपुट। ठीक है, यानी बी नंबर इसका सही होगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।